दक्षिण इटली के जंगल पिछले कई दिनों से आग की चपेट में हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर आसमान से पानी बरसाया जा रहा है तो कहीं पर घरों को बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन ये आग थमने का नाम नहीं ले रही। बढ़ती गर्मी और तेज हवाओं ने आग को और भी बेकाबू कर दिया है। आसमान में उठती आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 12 घंटों के अंदर उन्हें 300 से ज्यादा जगहों पर आग बुझाने जाना पड़ा। उधर ब्रिटिश कोलंबिया में भी फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं ताकि जंगल को तबाह होने से बचाया जा सके। कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश की वजह से फायर फाइटर्स को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सोमवार को तापमान बढ़ने से फिर से मुसीबत बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया में करीब 279 जगहों पर आग लगी है। 14 हाथियों का ये भटका हुआ झुंड करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब अपने ठिकाने पर लौट रहा है। हाथियों का ये झुंड करीब 16 महीने पहले चीन के यूनान प्रांत से निकला था। खेत खलिहानों से होते हुए खाने की तलाश में इन हाथियों ने सैकड़ों किलोमीटर तय कर लिए, तभी से इन पर निगरानी भी रखी जा रही है। तस्वीरों में हाथी एक पुल को पार करते झुंड कहीं दोबारा न भटक जाए, इसके लिए रास्ते में ट्रक और गाड़ियां लगाई गई हैं। जगह जगह इनके लिए खाना भी रखा गया है। एशियाई हाथियों का ये झुंड पूरी मस्ती में वापस अपने उन जंगलों की तरफ लौट रहा है जहां से ये आए थे। ये आंकड़ा दिलचस्प है कि इन हाथियों की वजह से सुरक्षा के लिहाज से 1.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। 25,000 पुलिस स्टाफ तैनात किया गया और 1500 इमरजेंसी गाड़ियां लगाई गईं ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके। भटके हुए हाथियों का ये झुंड अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान कर चुका है। ये तस्वीरें हैं भारत और रूस के बीच चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्र 2021 की। रूस के वोल्गोग्राद में चल रहे सैन्य अभ्यास का आज 11वां दिन है। यहाँ आतंक से निपटने के लिए ड्रिल की जा रही है, जिसके लिए एक आतंकी बेस तैयार किया गया है। यानी युद्ध या किसी आतंकी कैंप पर स्ट्राइक के वक्त जैसे हालात होते हैं, ठीक उसी तरह से ये अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल में KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। भारत का पराक्रमी T-90 टैंक भी इस संयुक्त युद्धाभ्यास का हिस्सा है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 250-250 सैनिक शामिल हुए हैं। इंद्र 2021 में भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। किन्नौर में शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ से चट्टान गिरने से एक बस और कुछ गाड़ियां मलबे में दब गईं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ITBP के करीब 200 जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। पहाड़ों से गिरती चट्टानों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी ITBP के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की है। बिहार हर साल की तरह भारी बारिश का कहर झेल रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना के ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दर्जनों गांव पानी में समा चुके हैं। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। बिहार में आरा की तस्वीर हो या फिर छपरा और समस्तीपुर की हालत एक ही है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन इलाकों में जमीन पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। समस्तीपुर में ये हाल तब हुआ है जब गंगा खतरे के निशान से करीब 150 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। नदियां अपने साथ गाद, मिट्टी, रेत लेकर बहती हैं। साल दर साल इनकी सफाई नहीं होती तो उनकी क्षमता भी कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा उतना ही गंभीर हो जाता है। और अभी खतरा टला भी नहीं है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां हुगली और पश्चिमी मिदनापुर जिले इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों ने अपना रुख ऐसा मोड़ा है कि पानी से घिरे होने के बाद भी यहां फंसे लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। हजारों गांव पानी में डूब चुके हैं, जहां कभी खेत थे और फसल लहला रही थी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।